हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैंने कुछ दिन पहले आपसे वीडियो शेयर की थी जो मैं प्लांट्स लेकर के आई थी नर्सरी से, जिसमें मेरा एक ये पोथोस था वेरीगेटेड और दूसरा मेरा गोल्डन पोथोस था। और मैंने ये भी शेयर किया था कि मैंने उसको किस तरीके से लगाया है। तो ये ना बड़ा ही हेल्दी प्लांट था मेरा, मैं लेकर के आई थी। तो मैंने गलती क्या कर दी ना, मैंने इसको प्लांट को ना मैच्योर नहीं होने दिया, क्योंकि ये न्यू लगे हुए प्लांट्स थे। और ये रहा मेरा गोल्डन पोथोस, तो इनको कट करके मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया था, जिसको मैंने शेयर भी किया था आप सबके साथ में। और मैंने अपने नॉर्मल जो मनी प्लांट होते हैं ना, जो घर में पाए जाते हैं, जो मेरे पास पहले से थे, तो मैंने उसकी भी कटिंग्स लगाई थी। तो मैंने ये देखिए इस तरीके से लगाए थे, और मैंने कट कर करके लगाए थे, क्योंकि ये प्लांट नया था, नर्सरी से आया था और मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया। सबसे बड़ी गलती मैंने यही कर दी, बल्कि हालांकि मैंने इसको 2 से 3 दिन बाद किया था रिपोर्ट, फिर भी मेरा ये प्लांट जो है ना एकदम बुरी हालत में हो गया। 1 हफ्ता होते होते ना इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने दोनों प्लांट को इसी तरीके से रिपोर्ट किया था। तो ये देखें, ये मैंने अपने हैंगिंग बास्केट में से ना निकाल लिया, क्योंकि ये ना गलने लग गया था, इसकी पत्तियाँ सूख रही थी और कुछ तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। तो ये देखिए, इसकी जड़ें ना काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड थी, फिर भी उसके बाद मैंने क्या किया ना, फिर मैंने इसे वापस इसी मिट्टी में लगा दिया, क्योंकि इस मिट्टी में ना मैंने थोड़े से वो लगा दिए थे जेड प्लांट के कटिंग, तो उन्हें मैंने निकाल लिया है। और निकालने के बाद मैं इसी मिट्टी में वापस से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये पोथोस जो है ना वरना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसे मैं वही एनवायरनमेंट वापस दे रही हूँ जिसमें ये पहले से था, क्योंकि इसका ना बचने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे मुझे, और ये बिल्कुल ही ख़राब होता जा रहा था। मेरा पूरा का पूरा भरा हुआ बास्केट जो है वो खाली हो गया था। तो हैंगिंग बास्केट से मैंने इसको निकाल लिया, वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैंने इसे देखा ना तो बस मैंने इसे निकाल लिया, ये नहीं सोचा कि इसको शूट करना है। और निकाल करके फिर मैंने इसे वापस नीचे ला करके इसको अपने उसी पॉट में लगा दिया जिसमें ये था, और दोनों पॉट्स में मैंने अपने प्लांट्स को लगा दिया। और मैंने ना बैकअप के तौर पे ना 2 कटिंग्स मैंने पानी में लगाई थी, क्योंकि उसमें जड़ें नहीं थी, तो वो मेरा एज इट इज़ था, तो मैंने उसे भी इसी मिट्टी में लगा दिया है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस मिट्टी में ना ये सर्वाइव कर जाएगा। उस मिट्टी में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम थी, तभी मैं कहती हूँ कि मेरे ससुराल की मिट्टी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ जो भी पौधे लगाओ ना वो मर ही जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पौधे को बचाना। तो इसलिए मैंने इसे वापस उसी मिट्टी में लगा दिया है, और मेरा जो गोल्डन पोथोस था ना उसको भी मैंने वापस उसी की मिट्टी में लगा दिया है। और उसके बाद का रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शो करूँगी, अभी एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि उसकी क्या हालत है। तो अगर आप इस तरीके की गलतियाँ करते हैं ना, तो आपको सीखने को मिलता है कि हर प्लांट को रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है। मैंने बाकी किसी भी प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया था, सबसे पहले मैंने अपने ये मनी प्लांट को ही रिपोर्ट किया था, और मैंने शेफलेरा का प्लांट भी रिपोर्ट किया था, वो बिल्कुल सही चल रहा है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ मेरी इसी प्लांट में हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी। तो अब मैं ना आपको अपने गोल्डन पोथोस भी दिखाती हूँ, उसके गिने चुने बस ये पत्ते रह गए हैं, बाकी सारे पत्ते जो हैं वो जल गए। तो ये देखिए कैसे एकदम लटका हुआ है ये, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा ना शॉक में चला गया है जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था, मगर नहीं, इसकी ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई और ये ऑलमोस्ट मरने की कगार पर था। तो इसमें भी मैंने 1-2 पत्ते छोड़ दिए थे ताकि वो बैकअप में रहें। तो ये देखिए, ये मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया है, और उसके बाद मैंने पानी डाल करके उसे वहीं पर रख दिया जहाँ पर मैंने उसे रखा हुआ था। और ये मेरा गोल्डन पोथोस देखिए कितनी बुरी हालत हो गई, और ये कितना घना था, और देखें कैसी हालत हो गई। इसको देख करके ना मेरा दिल बहुत ही दुखी हो गया। एक तो मैं इतनी दूर से लेकर के आई थी जहाँ मेरा जाना नहीं हो पाता, और मैंने पौधा भी ख़राब कर दिया। और ये देखिए 3-4 दिन के बाद की ये वीडियो है, और ये देखें ये पत्ता जो एकदम अधमरा सा था वो एकदम खड़ा हो गया है, और बाकी पत्ते जो थे वो सूख गए थे, कुछ गल गया था। और ये देखें इसमें नई ग्रोथ भी आ रही है, जो मैंने पहले से ही इसमें बैकअप के लिए छोड़ा हुआ था, तो उसमें ग्रोथ आ रही है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये बच जाएगा। तो हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और ये रहा मेरा दूसरा पोथोस, तो ये भी अभी फ़िलहाल बेटर कंडीशन में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये मेरा पौधा जो है वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं।